हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे हमारे मिथिला का एक पारंपरिक भुजिया, मुरई का साग भाटा और मुरई का भुजिया। भुजिया हम किसी भी उस सब्जी को कहते हैं जिसको बनाते समय उसमें ग्रेवी नहीं हम डालते, यानी कि सूखी सब्जी। ये बहुत ही कम तेल और मसालों में बनकर के तैयार हो जाता है और हरी साग में बनने के कारण ये काफ़ी स्वादिष्ट और सेहतमंद भी है। इसे दोपहर के खाने में भात दाल के साथ या फिर रोटी पूरी पराठे, अपनी सुविधा अनुसार आप जिस किसी भी चीज के साथ इसे खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। इसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले मूली की हरी ताजी साग। इसे 3 से 4 बार पानी से धोकर के निकाल लेना है और फिर इसे बारीक काट लेना है। मूली यानी मुरई, इसके हरे पत्ते को हमें तोड़ लेना है। जो भी पत्ता बहुत ही सॉफ्ट हो, पीला अगर थोड़ा सा भी हो तो उसे हमें नहीं लेना है। सॉफ्ट पत्ते और उसके सॉफ्ट डंठल को भी हम तोड़ करके अलग कर लेंगे। साग आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं, हमें जितना मिल सका हम उसी का उपयोग कर पा रहे हैं। साग कट चुका है तो इसी तरह से बारीक काटना है साग को। भाटा और मूली, भाटा और मूली को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। भाटा आपको जो भी उपलब्ध हो आप ले सकते हैं, कोई भी किस्म भाटे का इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। भाटा और मूली भी हमारा कट चुका है। तो मसाले में हमें चाहिए धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी, नमक स्वाद और सब्जी के क्वांटिटी के अनुसार लेना है। फोरन के लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, हरी मिर्च, आप यहाँ सूखी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन साग में हरी मिर्च का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है तो आप कोशिश करें कि हरी मिर्च ही लें। और आप जितना तीखा खाना पसंद करें उस हिसाब से हरी मिर्च लें। और पीली सरसों, हम यहाँ सरसों पीली वाली लिए हैं क्योंकि मिथिला में पीला सरसों ही हम फोरन में या पीले सरसों का ही तेल हम खाने में उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको पीला सरसों ना मिले तो आप काली वाली सरसों जो बाज़ार में उपलब्ध है वो ले सकते हैं। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस हम जला लिए हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम तेल गर्म कर लेंगे। तेल हम सरसों का लिए हैं और आप भी जब मिथिला का कोई सब्जी बनाएं तो कोशिश करें कि तेल सरसों का ही लें ताकि आपको उसका ऑथेंटिक स्वाद मिले। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम यहाँ इसमें फ़ौरन पका लेंगे तेज पत्ता, हरी मिर्च और सरसों। फोरन को लाल होने तक हमें पकाना है। फोरन हमारा पक चुका है तो अब इसमें कटा हुआ भाटा, कटी हुई मूली और मूली का साग डाल करके सभी को अच्छे से चलाना है। तेज आंच पर ही इसे चलाएंगे 2 से 3 मिनट। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले और अब हम इसमें हल्दी, नमक और धनिया पाउडर मिला लेंगे और तेज आंच पर ही अभी इसे हम 5 से 7 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए ही भूनेंगे। करीब 7 मिनट तक हम इसे भूने हैं तो अब हम यहाँ आंच को कम कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे और ढक करके इसे पकाएंगे। करीब
करीब 3 मिनट बाद हम ढक्कन हटा करके फिर से इसे चला लिए हैं। 2-3 बार इसे पलट लेना है और फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है। करीब 3 मिनट बाद हम फिर से ढक्कन हटा करके इसे देखे हैं तो भाटा साग और मुरई करीब करीब पक चुका है। तो अब हम यहाँ इसे ढकेंगे नहीं और आंच को हम मध्यम ही रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे और मीडियम आंच पर ही इसे बीच बीच में चलाते हुए भुनेंगे, जिससे कि जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो सूख जाए और बिल्कुल ही खिला खिला सा हमारा भाटा साग और मुरई का भुजिया बन के तैयार हो। तो करीब करीब यहाँ पर 12 से 15 मिनट के आसपास इसे हम भुने हैं तो भुजिया हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल खिला खिला हुआ। तो अब हम यहाँ गैस बंद कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। तो हमारा भाटा साग और मुरई का भुजिया बनकर तैयार है। ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में बहुत ही सेहतमंद है, खासकर इसमें जो हरी साग का प्रयोग होता है तो ये बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है। आप इसे जरूर बनाएं, खाएं और जानें मिथिला के स्वाद को। मिथिला में साग का खाने में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तरह तरह के साग मिथिला में मिलता भी है और उसे तरह तरह के अनेकों तरीके से हम बनाते भी हैं। तो इसी तरह के नए नए मैथिल स्वाद को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल गुलदस्ता से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।